नमस्कार, यान टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। बिहार में दूसरे चरण का मतदान हुआ। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग की गई। जनता में लगातार उत्साह है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जनता वोट देने आई। वैशाली जिले में भी मतदान हुआ। वैशाली जिले में लगभग 45% से ज्यादा मतदान हो चुका है और आने वाले टाइम में आंकड़ा बढ़ सकता है। महनार विधानसभा में भी वोटिंग देखी गई। लोगों में काफी उत्साह है, लोगों की अपनी अपनी राय है, तो आइए हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो वोट दिए हैं किस मुद्दे पर वोट दिए हैं। रामविलास का वोट दिया है, जो हमको खिलाया है गरीब आदमी के, उसका हम वोट दिया है। हाँ, तो जी आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? आज का जो आप वोट दिए, आपने क्या सोच के वोट दिया? आपके दिमाग में उस समय क्या था कि हम इस मुद्दे पर वोट देंगे, कि ये हमारे लिए अच्छा काम किया या नहीं किया? हम तो वोट दिया है जो हमको दाना मिलता है, पैसा मिलता है जी। अपन दोसर का नहीं की कहे छे जूठा खाया, आप लोग के हम जाति है, हम जूठा खाया, हमको जीवन दिखता है जी। तो आप वोट दिए रामविलास जी को? हाँ। यानी चिराग पासवान जी जो उनके पुत्र हैं, उनसे आप प्रभावित हैं? हाँ। और आपने वोट दिया कि वो अच्छा कर सकते हैं, चिराग? हाँ। पासवान। हाँ, अब की कहे छे हम वोट किया है चिराग पासवान की। हाँ, हमको की कहे छे जे मिलता है, की कहे छे जे अथी वृद्धा पेंशन 500 का महीना मिलता है हमको। हाँ जी, आपको लगता है कि पहले जो काम होना चाहिए था नीतीश कुमार वो काम नहीं किए, या अब लगता है कि आपको बदलाव की जरूरत है? की कहे छे जे गरीब के देखिए, आपके हम की कहे छे जे हम वोट दिया है रामविलास बाबू के, की कहे छे जे बेटा के चिरांग में 3 नंबर में वोट दिया है। हम गरीब है, हमारा गरीब के देखता है, हम वोट दिया है जी। हाँ, आपको लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बदलना चाहिए? हाँ, बिहार का मंत्री बनना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई भी नेता आए तो वो आपके लिए क्या काम करे? हम की कहे छे जे हम तो कथी काम करिए छे, हमरा तो वो है दै हथिन पैसा तो वो है हमरा की कहे छे जे काम दे है। हम कोनो काम करे छे, हमरा तो जीवन वो है देखे छे 500 का महीना दे छे, राशन की कहे छे जे बाल बच्चा के दै छन, वो भोजन खाई छे। कौन देता है? अथी रामविलास देता है, उसका बेटा किरण देता है जी। हमको भोजन जी। तो उसका में वोट देगा, जितना परिवार है तो सब ओहे में वोट देगा है, बेटा दिया है, पोता दिया है, पुतौहू दिया है, सब दिया है जी। कमी नहीं है वोट के, हम महनार से जीत जाएगा, छोटका बड़का भाई सब आपके कल जोड़िए देलीहन, सब छोटका बड़का भाई बहन सब मिलके वोट दिया है आपके जी। तो और लालू परिवार के बारे में आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव के बारे में, आपके उनके जो पुत्र है तेजस्वी यादव, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो आ सकते हैं या उनकी क्या लहर है या नहीं है? लालू को हम वोट नहीं दिया है, ना लालू को हम नहीं वोट दिया है, उन पर भरोसा नहीं है। हाँ, 78 में लालू को वोट नहीं पड़ा है, जे 78 में की कहे छे जे पासवान के वोट दिया है लालू कर, राम की कहे छे विलास पासवान के बेटा का वोट दिया है, किरण के वोट दिया है जी। 78 में जी, सब के। आपको लगता है रामविलास पासवान जी जो एक कद्दावर नेता, उनका हाल ही में निधन हुआ। हाँ। और उनके पुत्र अब आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कर पाएंगे, जनता के लिए मौका? हाँ। मिलेगा तो आपका की कहे छे जे गरीब के देखा है तो आप गरीब के दैले देखेले आपका जीवन रहेगा, आपका गरीब के देखे है आपका जीवन बदलेगा जी। और आपके लिए मुद्दा जाति पाति नहीं, विकास ही है। हाँ। विकास ही आपके लिए मुद्दा है, जाति पाति नहीं आपका बुझता है, आपका की कहे छे जे बड़का लोग छोटका लोग सब लोग आपके वोट देता है, सब लोग की कहे छे जे महनार से जीत जाएगा, जय जय कैकार हो जाएगा जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला की राय, वोट देके आई है, साफ कहना है, साफ खुलेआम इन्होंने कह दिया हमने रामविलास पासवान जी ने हमारे लिए जो किया है, लगातार हमें अनेक सुविधा दी, तो LJP पर चिराग पासवान पर ही इनका भरोसा है, लगातार
अपनी अपनी राय होती है लोगों की, तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो लहर है किस तरफ जाएगी, किस तरफ हवा का रुख मोड़ लेगा। आप तमाम वीडियो से आप समझ रहे होंगे कि आखिर बिहार में क्या राजनीति का माहौल है। प्रधानमंत्री जी ने भी रैली की, लगातार राजनीतिक माहौल है। तीसरे चरण का चुनाव होगा 7 नवंबर को, लगातार उसमें भी चुनावी रैली होनी है। तो आखिर चुनावी रैली से क्या बदलेगा, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे, आखिर बिहार में किंग मेकर कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब सच्चाई तो सामने आई जाएगी, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं और लगातार हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हर चीज़ पर अपडेट करते रहेंगे। तो आप देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए सिर्फ यहाँ टीवी। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।